नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, स्वागत करता हूं आपका जिब उत्साह न्यूज पर। बर्सर स्कूल को लेकर एक जो प्रकरण आपके बीच में आया, जिसमें कि बहुत सारी निंदाएं की गई और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया, इस तरह की व्यवस्थाओं में, एजुकेशन जैसे सिस्टम में इस तरह की चीजें होना हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा दुख की बात होती है। क्या कारण रहे हैं और क्या हुआ है, ये लगातार आप खबरों में देख रहे हैं, जो भी घटनाएं हुई, लेकिन इन घटनाओं के पीछे कुछ चीजें तो हैं जो लापरवाही का कारण है। वह लापरवाही विभाग की हो सकती है, स्कूलों की हो सकती है, या फिर उन कमेटियों की हो सकती है, उन संस्थाओं की हो सकती है जो स्कूल के अंदर बनाई गई हैं। इनको बनाने का जो मकसद है वो ये होता है कि समय समय पर स्कूल से संबंधित जो जानकारियां हैं वो विभाग तक पहुंचाई जाए, शिक्षा विभाग तक पहुंचाई जाए। इन सभी के बीच में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हमीरपुर, और जो कि हायर एजुकेशन को लेकर डील करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कुछ ऐसे सवाल जो अनसुलझे हुए सवाल हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर पहले बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं, जो कि समय के साथ में जो लोगों को जवाब है उसके प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं। आज हम उन सारे सवालों के साथ में आपको लेकर चल रहे हैं एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर श्री जसवंत सिंह जी के पास। और आज हम पहले जो आपसे इस प्रकरण को लेकर, जो बर्सर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा की जा रही है और कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर दोषी माना जा रहा है, आपका सब पहले क्या कहना है इसके? जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात जो है वो हमारे नोटिस में बिल्कुल नहीं आई, और दुर्भाग्यवश इसका पहले पता लगना, जो पहले होना चाहिए था वो नहीं आ पाया हमारे पास, और जैसे ही ये नोटिस में आई वैसे तो वो कार्रवाई जो है वो हुई है। हाँ, कई लैप्सेस जो है वो कई जगह पे हुई हैं, इसके लिए स्कूलों में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो है वो बनाई गई होती है, हमारे स्कूलों में ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो वहाँ पर हैं। ये सारी कमेटियाँ जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ही बनाई जाती हैं, कि ये किसी भी टाइप की कोई समस्या आती है तो उसको जो वो उजागर करें। खास करके जो ये सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है वो तो है ही इस टाइप के मैटर्स को देखने के लिए, और अगर ऐसी कोई बात हो तो वो जो है वो उनको नोटिस में एकदम लानी पड़ती है। इसमें एक प्रोविज़न है कि हर महीने जो है वो एक डाटा जो है वो हमें भेजेंगे, ये रिपोर्ट देंगे कि क्या इस मंथ में किसी टाइप की कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस तो नहीं आया, और नहीं होगा तो उसमें वो निल करेंगे, पर कोई अगर ऐसी इंसिडेंट हो जाती है तो वो तो उसको महीने के एंड का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उसके लिए तो आज उनके नोटिस में आई तो आज ही उसे उन्हें हायर अथॉरिटीज़ को एकदम इन्फॉर्म जो करना पड़ेगा, ताकि टाइमली उसमें जो वो एक्शन हो सके, और अदरवाइज रूटीन में उनको जो है वो हर मंथ इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि भाई वो जो है वो होनी चाहिए, पर कई बार कोई रिपोर्ट ना आई हो तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लापरवाह हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि है नहीं कोई तो रूटीन में, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेट भी हो गए तो कोई मैटर नहीं, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो तो निली, किसी टाइप की कोई इंसिडेंट नहीं हुई, पर अभी हमने इनको ये बोला है और कि आगे चाहे कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं, मंथली तो आप रिपोर्ट जो है विभाग के ध्यानार्थ जो है वो इनको सबमिट करेंगे ही, पर बीच में जब कोई ऐसी इंसिडेंट का आपको जरा भी पता लगता है तो एकदम जो है वो उसको हमें इन्फॉर्म करेंगे, ताकि टाइम रहते उसको हम चेक कर सकें और एकदम उसके ऊपर कोई भी गड़बड़ करने वाला उसके ऊपर वो एक्शन जो है एज पर रूल वो हो सके। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की बात चल रही है, अभी मैं बाकी स्कूलों पर अगर बात ना करूं, अभी मैं पहले सवाल में यही बात करूं बर्सर स्कूल को लेकर, क्या स्कूल की जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई गई थी, क्या उसके माध्यम से लगातार आपके पास कोई इससे पहले कोई कंप्लेंट लगातार पिछले महीने, दो महीने, तीन महीने या छह महीने तक कोई इस तरह की रिपोर्ट्स दाखिल की गई हैं? ऐसी कोई भी इंसिडेंट जो है वो नोटिस में जो है नहीं आई है, जो भी उनका हमने रजिस्टर रिकॉर्ड जो वो चेक किया वहाँ भी हमने देखा कि वो ऐसी इंसिडेंट थी नहीं कोई भी, और बेशक वहाँ पे उनके लैप्स जो है वो ये हुई है कि उन्होंने रूटीन में जो रिपोर्ट्स आनी चाहिए वो नहीं है, पर अदरवाइज रिकॉर्ड जो है वो हमें उनका प्रॉपर मिला, कि क्योंकि कोई इंसिडेंट नहीं हुई थी वहाँ पे, नील रिपोर्ट जो है वो उन्होंने रजिस्टर में वो भरी हुई थी, वो हमें देखने को मिला।
जी अच्छा सर, जैसे कि अभी ये सुनने में आ रहा है जो 161 के करीब स्कूल हायर एजुकेशन में बताए जा रहे हैं, उसमें से लगभग 145 स्कूल ऐसे हैं जिनमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की कोई डिटेल ही नहीं आई आज तक, तो इसको लेकर आपने स्कूलों में क्या नोटिस दिए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं कि उनकी रिपोर्ट आज तक आई नहीं, पर ये जो है जैसे मैंने आपको बोला कि जब कोई प्रॉब्लम इस टाइप की आती है तब तो उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि एकदम, पर जब प्रॉब्लम्स अगर नोटिस में नहीं आ रही है तो ये थोड़े से लापरवाह जरूर वहाँ पे वो हो जाते हैं कि हमारी रिपोर्ट जो है किसी टाइप की इसमें प्रॉब्लम वो निल है, कोई इस टाइप के इंसिडेंट जो नोटिस में नहीं आई है, तो फिर वो जनरली वो लापरवाही होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इनको आगे से हमने जो ये बोला है कि चाहे कोई भी इंसिडेंट हो या ना हो, पर आपने जो है रिपोर्ट हमने हर मंथ जो है वो भेजनी है। सर जैसा कि आपने कहा कि लापरवाही है, तो क्या इन लापरवाह लोगों ने जो लापरवाही की है क्या इसके ऊपर विभाग कोई एक्शन लेना अभी स्टार्ट कर रहा है या कोई प्लानिंग आपने किया है? इन फ्यूचर अगर ऐसे कोई भी वो करता है तो उनकी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी इसके विरुद्ध, कि आप चाहे रिपोर्ट नहीं भी है तब भी आपको जो डायरेक्शंस है उनको आपने ओबे करना और टाइमली हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारे पास डाटा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अप टू डेट रह सके। नहीं सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर भविष्य में किया जाएगा, तो जो पहले लापरवाही की है क्या उस लापरवाही के ऊपर शिक्षा विभाग का फर्ज नहीं बनता है कि उनको इमीडिएट नोटिस किया जाए और उनको इसका एक्सप्लेनेशन अभी लिया जाए कि उन्होंने आखिर ऐसी गलती क्यों की? आज जो पीछे रहे हैं उनके बारे में उनको बोलेंगे कि इतने लंबे समय से आप जो रिपोर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं, जबकि सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो है वो बनाई गई है, तो आपको रिपोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली भेजनी चाहिए, उसमें एक्सप्लेनेशन लेंगे क्या 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 रीज़न हुआ कि उन्होंने वो नहीं भेजी आज तक। जी मतलब आप उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे, और उसके साथ साथ में जो SMC कमेटी होती है जी, उसका स्कूल में क्या रोल रहता है सर? उसका पूरे सिस्टम के ऊपर स्कूल में जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट वो रोल है। इसकी नंबर वन की हर महीने जो है वो मीटिंग्स बुलाई जाती है, जिसमें स्कूल से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हैं, स्कूल की डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, या दूसरी और कोई प्रॉब्लम्स हैं जो कि संस्था से संबंधित हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, और वहाँ पे जो उनके द्वारा प्रस्ताव पास किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंगली आगे जो है वो एक्शन भी लिया जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको पेरेंट्स के ध्यान में जो वो लाया जाएगा, कोई वो किसी टाइप की वो वहाँ पे सुजेशन देते हैं उनको वहाँ पे लागू किया जाएगा, फिर कोई डेवलपमेंट के लिए कोई किसी टाइप की वहाँ पे वो कमी है उसके बारे में जो वो प्रस्ताव डालेंगे उसके हिसाब से आगे जो है वो ये करेंगे, तो ऐसे टाइम टू टाइम इनकी जो है वो हमारे हमें जो है वो होती रहती है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम जो बच्चों में स्कूल से संबंधित है बच्चों से संबंधित है, तो तब भी वो जो SMC प्रधान है उनकी रिक्वेस्ट पे जो है वो मीटिंग बुलाई जा सकती है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आया है। वो प्रश्न ये है कि जैसे कि स्कूल में बात हुई, हालांकि पुलिस जांच कर रही है उसको लेकर, अपने तरफ से पुलिस में जो भी फैक्ट्स होंगे निकल कर आएंगे, लेकिन जो बात निकल कर आई है कि प्रिंसिपल द्वारा लड़की को मोबाइल दिया गया और उसके अकाउंट में 1000 रुपए डाले गए, और उसका ये कहना था कि ये इसलिए दिया गया कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो शिक्षा विभाग ने क्या इसके ऊपर संज्ञान लिया है कि इस तरह की चीजें जो किसी इनडायरेक्टली तरीके से की जाती हैं, शिक्षा विभाग इन पे कुछ अंकुश लगाने के लिए कुछ गाइडलाइन इशू करेगा या फिर कोई इस तरह के नोटिस स्कूल में लगाएगा कि इस तरह से चीजें जो है नहीं होनी चाहिए? एक्चुअल में ये चीजें जो बड़ी जगह पे जैसे स्कूलों में कई बार बच्चों की हेल्प की जाती है, जो डिजर्विंग केसेस हैं जिनको बुक्स की जरूरत है बुक्स दी जाएंगी, कोई यूनिफॉर्म की जरूरत है यूनिफॉर्म दी जाती है, कई जगह पे फीस की जरूरत है वो टीचर्स के द्वारा फीस जो है वो भी दी जाती है, पर इन चीज़ों का जो है जैसे बड़े कम ऐसे चांसेस वो हमारे सामने आए हैं कि इस टाइप से बच्चों को इसमें जो है उनका मिसयूज़ किया गया, ऐसा नहीं है। पर आगे जो है वो हमें बोलेंगे कि बच्चों के वेलफेयर के लिए ये चीज़ें की जाएँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर इसका किसी भी लेवल पे कोई मिसयूज जो है वो नहीं होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट मैनर से वो की जाए, वो सभी के नोटिस में हो, वो चुपचाप वो ना की जाए, और कोशिश करेंगे कि हम ये करेंगे कि SMC जो है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए कि जहाँ पे बच्चों को किसी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो SMC के नोटिस में भी हो कि ये अध्यापकों की तरफ से प्रधानाचार्य की तरफ से तो उनकी तरफ से जो बच्चों की हेल्प जो है वो की जा रही है, सभी को एक ट्रांसपेरेंट वे में जो है वो आईडिया होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी बच्चे का इन चीज़ों को लेकर के कोई गलत यूज ना कर सके। जी
सर आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि स्कूलों को लेकर मैं एक सुझाव की बात करता हूँ, ये लोग भी चाहते हैं कि हर स्कूल के गेट के ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नंबर, लोकल थाने का नंबर, जो वहाँ के जो जो फील्ड ऑफिसर हैं पुलिस के उनका नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, क्या इस तरह का कोई सुझाव स्कूलों में दिया जा सकता है या इस तरह का कोई नियम बनाया जा सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो स्कूल के गेट के ऊपर बड़े बोर्ड के ऊपर लगाया जाए सभी स्कूलों में, और ताकि जो बच्चे हैं किसी तरह से अगर कोई गलत कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो डायरेक्टली उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकें। बिल्कुल, वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन जो है नंबर जो है वो वहाँ पे लिखा होता है, पुलिस स्टेशन नंबर जो है वो भी वहाँ पे होता है, और भी इम्पोर्टेंट नंबर जो है जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, बच्चों की हेल्प से रिलेटेड है, वो वहाँ पे होता है। पर हो सकता है कि कई जगह पे नहीं होगी, उसको हम हाईलाइट करेंगे और प्रायोरिटी बेस पे उनको चेक भी करेंगे आगे कि ऐसी कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, वो नंबर बिल्कुल सामने होने चाहिए, हर किसी को पता हो, ऐसी कोई समस्या आने पर एकदम वो जो है वो वहाँ पे इन्फॉर्म कर सके। इसमें सर जो सरकारी स्कूल हैं उनकी अभी क्योंकि बात हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में तो ज्यादातर ये चीजें लगी हुई हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में देखा गया है कि इस तरह की कोई भी नोटिसेस नहीं लगे हैं, इस तरह के कोई नंबर्स नहीं लगे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? नहीं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तो मुझे लगता है कि हर जगह पे वो लगा होना चाहिए, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसा ये नंबर जो है वो वहाँ पे लगा होता है, फायर से रिलेटेड जो है वो नंबर वहाँ पे होता है, ये जो हमारा पुलिस से रिलेटेड है वो नंबर वहाँ पे वो होता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड। फिर भी अगर ये नंबर जो है वो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने नहीं लगाए होंगे, उनको नए सिरे से इंस्ट्रक्शन देंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट ये पब्लिक सर्विसेज के नंबर हैं वो वहाँ पे वो लगाए जाएं, जो कि बच्चों के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए और आम पब्लिक के लिए जो वो हेल्पफुल रहें, और किसी भी टाइप की ऐसी इंसिडेंट होने पर वो एकदम जो है वो आगे नोटिस में संबंधित विभाग के ला सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आज हमने आपकी बात कराई डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन हमीरपुर से, और यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव प्रयास की तरफ बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की बात रही, जिस दिन इनके संज्ञान में रात को ये बात लाई गई, रात को 10:30 बजे करीब, तो इन्होंने अपनी पूर्ण जिम्मेवारी के साथ में इसको निभाया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अपने स्कूल में सुबह 9:15 बजे पहुंचे, अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी इनकी जिम्मेवारी बनती थी वो इन्होंने पूर्णतया निभाई। अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को समझा जाना चाहिए कि जागरूकता की कमी के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। अगर पेरेंट्स जागरूक रहें और जो कमेटियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं अगर वो जागरूक रहें तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने का जो प्रयास किया गया है वो उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ है, प्रयास करता है कि आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाए। आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व पर भी ध्यान दीजिए, उनके हाव भाव पर ध्यान दीजिए और समझिए कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। आपको शायद बहुत आसान हो जाएगा समझना। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से, थैंक यू वेरी मच।